हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपको अपने YouTube चैनल बिजनेस आइडिया सीखो में आपका स्वागत है। आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर आप दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे तो आप उस पर लाइक, वीडियो पे लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर से आपको एक नए वीडियो, नए आइडिया, बिजनेस आइडिया में आपको स्वागत करते हैं और आपको नए बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहे हैं हम आपको। तो सबसे पहले आपको पेपर प्लेट मेकिंग के सीरीज चल रही है, तो सीरीज में आपको आज तीसरा डे है। तो आज तीसरा डे में आपको हम बताने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन एक्चुअली होता क्या है? तो हाइड्रोलिक मशीन में दोस्तों, उसमें सबसे पहले कि उसमें एक टैंक होता है। टैंक में आपको हाइड्रोलिक प्रेशर वायल लगता है, जो 68 नंबर प्रेशर वायल होता है, वो प्रेशर वायल उसमें यूज होता है। जैसे जो क्रेन वगैरह में जो प्रेशर वायल यूज होता है, वही आपको इसमें भी यूज होता है। इसमें प्लस हाइड्रोलिक मोटर होता है। ये आपको नॉर्मल मोटर नहीं होता है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर मोटर होता है। ये आपको मेनली जो मशीन में यूज होता है, जिस मशीन में, गोदरेज या हैवेल्स कंपनी की मोटर यूज होती है, जो ब्रांडेड कंपनी है, जो या तो गोदरेज या हैवेल्स मोटर लगा कर देती है। बाकी जो लोकल कंपनी लोग जो मार्केट में मशीनें बना रहे हैं, तो लोकल मोटर अपना असेंबल्ड करके बनाते हैं। तो अगर गोदरेज या हैवेल्स की मोटर के आप हाइड्रोलिक मशीन लगा हुआ लेते हैं, तो उसमें आपको एक साल की वारंटी देती है, होम सर्विस देती है दोनों कंपनी, हैवेल्स और गोदरेज दोनों। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप गोदरेज या हैवेल्स कंपनी का ही लगा हुआ मोटर मशीन खरीदें। तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर वायल होता है। इसमें टैंक आपको बता दिया, टैंक यूज़ होता है, इसमें मोटर यूज़ होता है। और इसमें आपको जो मेनली रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, वो सर्कल पेपर यूज़ होता है इस तरह का, या बफर सीट। इस तरह का मोटा थाली बनाना है आपको तो बफर सीट। इसमें आप दो तरह का माल बना सकते हैं, या तो रिंकल प्लेट्स बना सकते हैं, या तो बफर प्लेट बना सकते हैं। आपको इस तरह का आइटम आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी आपको सिंगल डाई होता है, डबल डाई होता है, डबल डाई डबल सिलेंडर भी होता है। तो सिंगल डाई का जो मशीन होता है, उसमें आपको सिंगल सिलेंडर लगा होता है और एक सिंगल टैंक लगा होता है, और आपको एक डाई एक बार में लगा करके किसी भी टाइप, 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच, कोई भी आप डाई 3 इंच से 14 इंच 16 इंच तक आप डाई इस मशीन में लगा सकते हैं। बाकी आपको डबल डाई की मशीन है, जो एक सिंगल सिलेंडर की होती है, एक डबल सिलेंडर की होती है। तो सिंगल सिलेंडर का मशीन में सिंगल सिलेंडर लगता है, और डबल डाई में जो डबल सिलेंडर होता है, उसमें दो सिलेंडर लगा हुआ होता है मशीन में। तो सिंगल सिलेंडर और डबल सिलेंडर में क्या अंतर है कि सिंगल सिलेंडर में होता है कि आपको मेनली जो है एक सिलेंडर लगा रहने के कारण, आपको ये जब अप डाउन करेगा सिलेंडर या बटन दबाएंगे आप, तो आपको अप डाउन जो करेगा वो आपको जब दावेंगे तभी करेगा। एक तरफ इधर दो डाई लगा हुआ, अगर इधर का आपको करेगा तो इधर ऐसे गिरा, जब डाई आपका गिरा तो इधर आपका डाई ऊपर ही रह जाएगा, अपने आप नहीं गिरेगा, फिर आपको बटन दबाना पड़ेगा तब गिरेगा ये। और डबल सिलेंडर से लेने से मतलब है कि एक तरफ, एक बार आपने बटन पुशअप किया तो एक बार गिर गया, फिर डबल अपने आप ये ऊपर चला जाएगा, ये अपने आप नीचे चला आएगा। ये फायदा होता है डबल सिलेंडर लेने मशीन में। तो बजट के हिसाब से जैसा आप ऐसे स्टार्टिंग प्राइस जो होता है हाइड्रोलिक मशीन का, ये लगभग आपको 55,000 से स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, 55,000 से लेके। और डबल डाई का मशीन लेंगे तो अलग रेट होता है, बाकी हर तरह का रेट होता है। तो आपको अब आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक मशीन आखिर होता क्या है, सिंगल सिलेंडर डबल सिलेंडर में क्या अंतर होता है, इतना आप ज़रूर समझ गए होंगे। बाकी आपको इसमें प्रोडक्शन जो होता है, लगभग सिंगल डाई में 1500 से 1800 पीस आपको पर आवर प्रोडक्शन होता है। इसमें 2 HP की गोदरेज की या हैवेल्स कंपनी की मोटर लगी होती है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन है। बाकी आपको रॉ मटेरियल में आपको बता ही दिया कि सर्कल पेपर या बफर प्लेट इसमें यूज होता है, दो तरह का माल आप इसमें बना सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, वही इसमें भी है दोस्तों। 6 पैसा से लेकर 30 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा, जैसा आपको एरिया के हिसाब से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, एक प्लेट पे, एक दोना पे। और इसके आगे जो वीडियो आ रहा है उसमें है ऑल इन वन मशीन, दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। क्योंकि उस वीडियो का आप देखेंगे तो एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको सारा तरह का आइटम बनता है, प्लस उसमें चप्पल और झूना पैक, या आप
ब्रश पैक, खिलौने पैक, बहुत सारे आइटम पैक कर सकते हैं उसमें, और चप्पल, धोना, प्लेट्स, थाली सब बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में उस नए वीडियो में आएगा, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हरदोई में है, दिल्ली में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या तो अरमाइंड इंडस्ट्रीज़ बिहार के जो आसपास के कस्टमर हैं वो अरमाइंड इंडस्ट्रीज़ पटना से खरीद सकते हैं, वहाँ से आपको मशीन एवं रॉ मटेरियल दोनों मिल जाएगा। आप दोनों जगह से मशीन खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं। बाकी इनकी सर्विस फैसिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, ताकि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मशीन खरीदना बहुत बड़ा बात नहीं होता, उनका सर्विस मेन प्रॉब्लम होता है, सर्विस लोग नहीं दे पाते हैं। तो आप ये दोनों मशीन जगह कंपनी से खरीदते हैं तो आपको सर्विस भी बढ़िया मिलेगी, और अच्छी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है, तो आप यहाँ से मशीन खरीद सकते हैं। और बाकी आपको इसके आगे का जो नेक्स्ट पेपर प्लेट का टाइप है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए यही आपको वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, और आगे आपको नेक्स्ट जो मॉडल है पेपर प्लेट का, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। और तब तक के लिए मैं यही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।